लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पानी पानी हुआ ताजमहल, देखिए दुनिया के सातवें अजूबे का आज का हाल। देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। आसमान से बरस रही इस आफत ने अब तक कई जगह भयंकर तबाही मचाई है। आगरा और देश की शान कहे जाना वाला ताजमहल भी इससे अछूता नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट आए दिन ताजमहल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाती रहती है, लेकिन ऐसा लगता है यूपी की योगी सरकार को इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि बारिश के कारण ताजमहल का जो हाल हुआ है उससे तो यही लगता है। आगरा में हुई भयंकर बारिश का पानी ताजमहल के अंदर घुस गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। ताज की हिफाजत का विजन डॉक्यूमेंट का मसौदा पेश करने पर कोर्ट ने कहा कि हम यहां आपका दस्तावेज जांचने के लिए नहीं बैठे हैं, क्या यही हमारा काम रह गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार और अफसरों का रवैया कॉमेडी शो जैसा है, पूरे मामले का मजाक बना दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ताजमहल के देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है, सोमवार तक उसका नाम बताएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी हालत देखकर अगर यूनेस्को ने ताजमहल से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा वापस ले लिया तो क्या होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि यदि इस ऐतिहासिक स्मारक का विश्व धरोहर का दर्जा वापस लिया जाता है तो यह देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी। मैं जिस तरह से पानी घुसा है उससे एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। प्रशासन और सरकार ने अगर समय रहते तैयारियां की होती तो ताजमहल के अंदर पानी नहीं घुसा होता। दुनिया के इस सातवें अजूबे को देखने के लिए देश से ही नहीं दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। ऐसे में योगी सरकार और प्रशासन की लापरवाही देश ही नहीं दुनिया के सामने भी आ गई है। आगरा में बारिश से 6 की मौत, ताज नगरी आगरा में पिछले 24 घंटे में बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने वहीं मृतकों के परिजनों को 4,00,000 मुआवजा देने का ऐलान किया है। बीते दो दिनों में बारिश से अब तक लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और कई सामान भी खराब हुए हैं। बारिश के कारण आगरा प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को 27 और 28 जुलाई को बंद रहने का आदेश दिया है। कई जगहों पर भारी जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है। आगरा के MG रोड पर एक पेड़ गिर जाने से ट्रैफिक जाम लग गया। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर कहा है कि 27 जुलाई की रात को आगरा में आंधी के साथ बारिश आ सकती है। प्रशासन ने सलाह दी है कि जब तक पूरी तरह जरूरी न हो नागरिक घर के अंदर रहें। अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो ऐसे में पानी को घर में आने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम कर लें। बारिश से देश का बुरा हाल, देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के चलते जोधपुर में बेहद हैरान करने वाले हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर समेत कई इलाके बारिश से बेहाल हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, कई नदियां खतरे के निशान के करीब हैं। उत्तराखंड में भी भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं।